प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ए पात्र नागरिकों ने बूस्टर डोज लेवानी करी अपील। स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वर्कर्स और गंभीर बीमारियों थी पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों ने बूस्टर डोज आपवानुं काम पूरजोश में। प्रथम दिवसे 9 लाख थी वधु लोगों ने अपायो बूस्टर डोज। भारत और दक्षिण कोरिया वच्चे आज खास व्यापार वार्तालाप। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल तथा दक्षिण कोरिया ना ट्रेड मामलाओं ना मंत्री हान कु यो करशे द्विपक्षीय व्यापार संबंधी मुद्दाओं पर चर्चा। व्यापार, खाद, भारतीय निकासकारों ने थता बिंट टेरिफ अवरोधों तेमज रोकाण संबंधित मुद्दाओं पर थशे मंथन। बन्ने राष्ट्रों वच्चेना व्यापारी संबंधों बनी शके छे वधु मजबूत। गत 24 कलाक में देश में कोरोना 1,68,063 नवा केस नोंधाया। ओमिक्रॉन ना कुल केस नो आंक वधीने थयो 4,461। दिल्ली में वधेला कोरोना संक्रमण ने जोता तमाम खानगी ऑफिसो ने बंद करवाना अपाया आदेश। वर्क फ्रॉम होम लागू तो रसीकरण अभियान अंतर्गत देशभर में अत्यार सुधी में अपाया 152,89,00,000 वधु डोज। राज्यमां सोमवारे नोंधाया 6097 नवा केस, सामे 1,539 दर्दीओ थया स्वस्थ। अमदावादमां सौथी वधु 1,923 तो सूरतमां नोंधाया 1,892 केस। बे व्यक्तिओना मृत्यु। राज्यमां ओमिक्रॉनना नोंधाया 28 नवा केस तो सोमवारे 3,82,000 वधु लोकोनुं करायुं रसीकरण। देशना पक्षी प्रेमीओ माटे जामनगर थी आनंदना समाचार। वर्षो बाद जामनगरना ढीचड़ा तळाव खाते जोवा मळ्यो म्यूट स्वान। विदेशी यायावर पक्षीओनुं आगमन थता पक्षी प्रेमीओ गेलमा। भारतीय शेयर बजार आजे हकारात्मक वलण साथे थयो बंद। बीएसई नो सेंसेक्स 221 अंकना वधारा साथे 60,616 पर रह्यो बंद। एनएससी नो निफ्टी 52 अंकना वधारा साथे 18,055 पर रह्यो बंद। तो एनर्जी, आईटी, बैंक सेक्टर में जोवा मळी तेजी। અને કેપટાઉનમાં ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા વચ્ચે શ્રેણીની અંતિમ ટેસ્ટ મેચ શરૂ। દક્ષિણ આફ્રિકામાં પ્રથમ વખત શ્રેણી વિજય પર ભારતીય ટીમની નજર। બંને ટીમો હાલ 1-1 ની બરાબરી પર।